मानसी है इस वक्त, मानसी बताइए। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी। आज वैसे कमोडिटी बाजार में करेंसी और क्रूड दोनों ही छाए रहे, खास तौर से कल की तेज गिरावट के बाद क्रूड में आज भी सुस्ती का रुझान है। और चार अगर बड़ी बातें कहें किस वजह से यहां सुस्ती देखने को मिल रही है, एक तो सप्लाई को लेकर चिंताएं कम हुई है। यूएस में तेल भंडार करीब 99 लाख बैरल बढ़ा है, 6 में से 5 हफ्ते में यूएस में तेल भंडार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाया। और इन तमाम वजह हैं जिनकी वजह से एक सुस्ती का रुझान देखने को मिला। WTI क्रूड जो है वो $61 के नीचे फिसलता हुआ दिखा और ब्रेंट क्रूड के दाम $70 के बेहद करीब कामकाज करते हुए दिखे। घरेलू बाजार में क्रूड में 4,290 के ऊपर के स्तर पर फिलहाल कामकाज हो रहा है। इसके अलावा बुलियन मार्केट की अगर बात करें तो सोने चांदी में एक सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ दिखा। M6 पर सोना करीब 31,300 के नीचे आज के सत्र में कारोबार करता हुआ दिखा, 31,294 के स्तर पर। करंट मार्केट प्राइस में फिलहाल घरेलू बाजार में सोने के वायदे में कामकाज हो रहा है और साथ ही चांदी की अगर बात करें 36,300 के करीब यहां पर कारोबार देखने को मिल रहा है। करंट लेवल्स पर भी घरेलू बाजार में एक दायरे में रेंज बाउंड कारोबार ही देखने को मिल रहा है। कॉमिक्स पर सोना 1,270 के करीब, वहां पर विदेशी बाजार में कह सकते हैं कि सोना जो है वो 4 महीने के निचले स्तर पर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और खासतौर से डॉलर में जो मजबूती का रुझान देखने को मिला है, इसी वजह से बुलियन मार्केट में एक इम्पैक्ट हम आज के सत्र में बिल्कुल देख पाए। अब रुक करते हैं एग्री कमोडिटी का। कैस्टर में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली, मेंथा ऑयल में तेजी देखने को मिली और फोनी तूफान, ये है एक चक्रवाती तूफान कह सकते हैं, एक प्राकृतिक विपदा जो हमारे यहाँ पर देश में और अब जो कि डाइवर्ट भी होते हुए दिख रही है। लेकिन सबसे पहले कैस्टर के मुनाफा वसूली की ही बात कर लेते हैं। कैस्टर का वायदा जो है 5,600 तक फिसलता हुआ दिखा है। वायदा में भाव जो है 1% से ज्यादा नीचे गिरता हुआ दिखा और अब की तेजी एक फंडामेंटल तेजी का रुझान भी हो सकता है कि देखने को मिले, लेकिन इंडस्ट्रियल मांग अब भी यहां पर मजबूत है। मेंथा ऑयल की बात करें तो तेजी का रुझान बिल्कुल यहां पर बरकरार है। देखिए कैस्टर आपको हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बिकवाली का दबाव, लेकिन मेंथा में आप तेजी बिल्कुल देख पाएंगे। करीब 1,366 के स्तर पर यहां पर तेजी के साथ मेंथा ऑयल में फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। कीमतों में करीब 1.5% की मजबूती है। हाजिर में मांग जो है वो बढ़ने से कीमतों को काफी हद तक यहां पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखा और इंडस्ट्रियल मांग से कीमतों में काफी हद तक तेजी का रुझान है। तो एग्री मार्केट को अगर समझे तो कैस्टर में मुनाफा वसूली है, लेकिन मेंथा में यहां पर तेजी का रुझान बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जैसे कि अब मैं आपको बता रही हूँ, प्राकृतिक विपदा जो कि देश पर भी छाई, फोनी तूफान उड़ीसा पहुंच चुका और 2 दशक का सबसे गंभीर चक्रवात ये बताया जा रहा है, सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा है। और तूफान की गति करीब 150 किलोमीटर से अधिक है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कई जिले हैं जो इस तूफान की वजह से प्रभावित होते हुए दिखे हैं। कोलकाता से 370 किलोमीटर ये तूफान जो है वो बताया जा रहा है। नेवी, कोस्ट गार्ड और NDRF की टीम्स को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। तो एक बड़ी खबर है ये जो कि काफी हद तक जानना सबके लिए जरूरी है और काफी लोगों को सुरक्षित जगह पर भी पहुंचाया गया है। पूरी सुरक्षा बल जो है वो तैनात है ताकि किसी भी तरह का नुकसान किसी भी को इंसान को ना होता हुआ दिखे। ओडिशा में अगले 2 दिनों तक रेल और विमान सेवा जो है उन्हें बाधित कर दिया गया है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि तूफान अब धीरे धीरे डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए, नॉन एग्री कमोडिटी, एग्री कमोडिटी और साथ ही वायदा बाजार में क्या कुछ एक्शन में रहा, सब कुछ हमने आपके सामने रख दिया। एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो आपका आउटलुक में बुलियन मार्केट पर ही जानना चाहूंगी। एक सीमित दायरे में आज सोने चांदी में कारोबार देखने को मिला है, खास तौर से ये जो रेंज बाउंड ट्रेड है वो कहां से आप देख रहे हैं और स्ट्रैटेजी क्या बिल्टअप करेंगे? मानसी जी, गोल्ड सिल्वर हमने पूरे हफ्ते गिरावट आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर आज एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और हम देख भी रहे हैं कि लोअर लेवल से मार्केट बाउंस बैक हुआ है, तो हमें लगता है कि इंट्राडे परस्पेक्टिव से सिल्वर के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर टारगेट हमें लगता है 37,200 तक मिल सकता है, स्टॉप लॉस 36,250 पे लगा सकते हैं। तो क्लियरली 37,200 के टारगेट्स को आप ध्यान में रखें। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में चांदी में आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। यहाँ पर 36,250 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। एक रेंज में कारोबार 36,320 के स्तर पर फिलहाल सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। नेचुरल गैस, अनुज एक बार आपकी राय यहाँ पर भी लेना चाहूंगी। एनर्जी पैक में आज क्रूड में सुस्ती है और नेचुरल गैस में ग्रीन पैटर्न में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। करीब 0.5% की तेजी का रुझान 181 के लेवल्स पर फिलहाल कारोबार है। क्या कह सकते हैं करंट लेवल्स पर खरीदारी का मौका बन रहा है या फिर बिकवाली ही की जाए? देखिए, नेचुरल गैस में जो ट्रेंड है वो डाउन है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में बिकवाली ही करना चाहिए।
183 लेवल मिलता है तो वहाँ बिकवाली करके चलें। स्टॉप लॉस 187 का रहेगा, टारगेट करीबन 177 तक हो सकता है। तो नेचुरल गैस ट्रेंड डाउन है तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेल कॉल इनिशिएट करने की राय है क्योंकि ट्रेंड ऑफ फंडामेंटल्स जो है वो कमजोर दिख रहे हैं। माई कॉन्ट्रैक्ट में आप एक सेल कॉल इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। 177 का टारगेट यहाँ पर देखना होगा, 187 एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। 181 के लेवल्स हैं करंट मार्केट प्राइस, आधे प्रतिशत की तेजी का रुझान है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर कमजोरी हावी होते हुए दिख सकती है और इसी के चलते एक सेल कॉल इनिशिएट करने की राय है। बेस मेटल्स पर एक बार रुक कर लेते हैं। आज पूरे दिन बेस मेटल्स में जो लेवल्स के साथ कामकाज देखने को मिला, पर्टिकुलरली अनुज, जिंक पर एक बार आपसे स्ट्रेटजी जानना चाहूंगी। 218 के स्तर पर कारोबार है, ऐसे में क्या करें बेस मेटल में, जिंक में? देखिए, बेस मेटल का भी ट्रेंड डाउन ही है तो मुझे लगता है कि जिंक में बिकवाली करके चलना चाहिए। 219 के अराउंड सेलिंग करके चले। स्टॉप लॉस 221.50 का रहेगा, टारगेट 216 से लेकर 215 तक हो सकता है। तो बेस मेटल में ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पर सेलिंग की बना सकते हैं। ओके, तो क्लियरली सेल कॉल इनिशिएट करने की राय जिंक मई कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिलती हुई दिख रही है। 215 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 221 का स्टॉप लॉस लगाएं, 218 करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। इसके अलावा तमाम बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या रहेगी अनुज? आज आपने ट्रेंड कैसा देखा बेस मेटल्स में? देखिए, बेस मेटल में ट्रेंड अगर हम पिछले 3-4 दिनों से देखें तो कंटिन्यूस एक नेगेटिव साइड में जा रहा है। मुझे लगता है कि बेस मेटल में ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा, तो अगर कोई भी उछाल मिलता है बेस मेटल में तो बिकवाली करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि कॉपर, जिंक और लेड तीनों के अंदर सेलिंग करके ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, तो क्लियरली एल्यूमिनियम में आप देख सकते हैं 146 के स्तर लाल निशान के साथ कामकाज है। जिंक में हालांकि 218 के लेवल्स हैं, तेजी का रुझान है। कॉपर 431 के लेवल्स और निकिल में 850 के स्तर पर कामकाज है, लेकिन स्ट्रेटजी ऑन अ सेल साइड बनती हुई दिख रही है। हो सकता है उठा पटक वाला दौर देखने को मिले और बिकवाली का दबाव यहां पर बनता रहे, तो कॉपर में आप बिकवाली करके चलें और साथ ही जिंक में बिकवाली की राय, टारगेट्स और स्ट्रेटजी आपको सुझाए गए हैं। साथ ही एक बार जीरा पर आपकी राय जानना चाहूंगी, जीरे में क्या किया जाए क्योंकि जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, और उससे पहले एक बार कॉटन सीड पर भी अपनी राय दे दीजिए। देखिए, कॉटन सीड में देखें तो मार्केट अब हायर लेवल्स पर है तो एक प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट ओवरबॉट जोन में ही बना, हम पूरा ही अगर कॉटन पैक को देखें तो वहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिनों से। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल की एक में बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 2430 तक कॉटन सीड ऑयल की में मिल सकता है, स्टॉप लॉस 2575 पर लगा सकते हैं। तो हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग कॉटन सीड ऑयल की एक में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बिकवाली करके चले आप कॉटन सीड के एक माइक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। 2430 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 2575 का स्टॉप लॉस लगाए, 2509 के लेवल्स पर आपको ये मिलेगा। करीब आधे प्रतिशत की बिकवाली का दबाव कॉटन सीड में फिलहाल देखने को मिल रहा है, बिकवाली की राय बनती हुई दिख रही है। और साथ ही जीरे में आप क्या राय देंगे अनुज? जीरे के अंदर भी हमने पिछले 2 दिनों में थोड़ी सेलिंग आते हुए देखी है, ये भी काउंटर ओवरबॉट जोन में है। मुझे लगता है कि इसके अंदर भी बिकवाली करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में टारगेट करीबन 16,500 रुपये तक देखने को मिल सकता है, तो जीरे के अंदर भी हमें लगता है कि बिकवाली करके ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो बिकवाली की राय यहाँ पर भी हमें बनती हुई मिलती हुई दिख रही है जीरे मई कॉन्ट्रैक्ट के लिए। 16,550 के लक्ष्य को ध्यान में रखिए, 17,200 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 16,850 में आपको मिल रहा है, करीब आधे प्रतिशत की बिकवाली का दबाव है। सेल कॉल बिकवाली की राय एक्सपर्ट की तरफ से मिलती हुई दिख रही है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, तो सवाल पूछने का तरीका क्विकली आपके सामने रख देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे, इन नंबर्स पर हमें संपर्क कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी इस बुलेटिन में वायदा बाजार से जुड़े, एग्री कमोडिटी और नॉन एग्री कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। सबसे पहले कॉलर संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप नमस्कार, सवाल पूछें। मैं ये मेरा मस्कड़ का सवाल है, मस्कड़ में क्या? सरसों आप एंट्री करना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और लंबी अवधि के लिए खरीदेंगे क्या? नहीं, अभी शॉर्ट टाइम है। 3728 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं अनुज, मस्टर्ड सरसों पर ये राय जानना चाहते हैं, क्या राय रहेगी? देखिए, पूरे ही ऑयल सीड पैक में देखे तो ट्रेंड डाउन है क्योंकि यहाँ पर जो अराइवल्स हैं वो बड़े हैं और मुझे लगता है कि सरसों के अंदर भी जो अराइवल्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि सरसों के अंदर अभी खरीदारी ना करें। हमें लगता है कि यहाँ से अभी 50 से 100 रुपये की गिरावट और देखने को मिल सकती है। मीन्स अगर हम लेवल वाइज देखें, अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो इनके लिए जो लेवल सजेस्टेड है वो करीबन 3620-3630 के आसपास का लेवल रहेगा जहाँ पर ये खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं। बट अभी मुझे लगता है कि फिलहाल बाइंग से रुकना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है संदीप, 50 रुपये का और ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, अभी रुक जाएं। 3620 के लेवल अगर आप देखते हैं तो वहां पर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं, अभी थोड़ा सा रुकें, 3620 के लेवल्स का इंतजार करें। अनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं,
जयपुर से जुड़े हैं। अनीश नमस्कार, सवाल पूछें। जी नमस्कार जी। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि आने वाले 1-2 महीने कॉटन ऑयल में क्या करना है? ठीक है, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। अनुज, वैसे आपने कॉटन केक पर अपनी स्ट्रैटेजी बताई है, लेकिन क्योंकि आने वाले 1-2 महीने का आउटलुक जानना चाहते हैं, क्या राय रहेगी? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक हमें लगता है कि अभी ओवरबॉट जोन में है, तो अगर उन्होंने बाय किया हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, और अगर ये फ्रेश ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे में करीबन 100 से 150 रुपये की गिरावट यहाँ पर हो सकती है, तो अगर ये बाइंग करना चाह रहे हैं तो फिलहाल मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। अभी फिलहाल हमें लगता है कि सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, हमने इसमें टॉपिक भी अपना इसमें दिया। ठीक है, बिल्कुल, आपको एक बार स्ट्रैटेजी भी सुझाई जा चुकी है अनीश। यहाँ पर अगर आप कोई स्ट्रैटेजी या खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो बिक्री ही करके चलनी है। एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर आप हाल ही में इनमें पोजीशन बनाकर बैठे हैं तो एक बार निकल जाएं, प्रॉफिट बुक करने की चेष्टा करें, और अगर न्यू पोजीशन बनानी है तो सेल कॉल। बिकवाली की राय स्ट्रैटेजी एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको 2430 के टारगेट्स को ध्यान में रखा है, 2575 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 2508 में यहाँ पर आपको सेल कॉल इनिशिएट करने की राय मिल रही है। करेंसी पर बार अनुज आपसे जानना चाहूंगी, करेंसी में जो भी देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपए में जो लेवल्स आज दिखे हैं, उन्हें देखते हुए क्या आउटलुक बनता है? देखिए, मार्केट का लोअर लेवल से काफ़ी रिकवर हुआ है, मींस डेप्रिशिएट हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा और डेप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है। अगर हम लेवल वाइज देखें तो हमें लगता है कि 69.80 69.90 तक के लेवल यहाँ मिल सकते हैं, तो हमें लगता है कि इंडियन रुपी अभी यहाँ से 20 से 25 पैसे का डेप्रिशिएशन और देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल से डेप्रिशिएट हुआ है तो अभी लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में और थोड़ा डेप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है, तो अगर किसी को बाय करना है तो यहाँ से यूएस डॉलर बाय करके ट्रेड ले सकते हैं। ओके, साथ ही आपने जीरे पर एक बार राय दे दी सेल कॉल के लिए, लेकिन बाकी तमाम मसालों की अगर बात करें तो वहां पर रुझान आप कैसा देख रहे हैं? हल्दी में क्या लेवल्स आप अहम समझ रहे हैं? देखिए, मसालों के अंदर भी जो ट्रेंड हमें दिख रहा है थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, हमें लगता है कि मसालों के अंदर भी भाव नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं, और अगर हम हल्दी की बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ से भी 100 से 150 रुपये की गिरावट और हल्दी में देखने को मिल सकती है। चलिए, तो बिल्कुल ये राय है, 6448 के लेवल्स पर फिलहाल हल्दी में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। एक बार तमाम मसालों को आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जीरे में तो बिकवाली की राय मिल ही चुकी है हमें, एक बार हल्दी के लेवल्स भी हमने देख लिए हैं, मसालों की चाल जो है उन्हें देखते हुए अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको बिल्टअप करनी है तो जीरे में आपको बिकवाली की राय स्ट्रैटेजी मिलती हुई दिख रही है। एक बार 16550 के टारगेट्स को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। क्रूड पर एक बार आपका आउटलुक अनुज जानना चाहूंगी, क्या लगता है यूएस चीन के बीच जो ट्रेड वार्ता की संभावना है, हो सकता है आने वाले शुक्रवार को कोई ना कोई डेवलपमेंट इसमें देखने को मिले? आने वाले शुक्रवार तक एक वीक का नजरिया अगर हम क्रूड में समझने की कोशिश करें, क्या लेवल्स दिख रहे हैं आपको? देखिए, क्रूड में जो हमने गिरावट आते हुए देखी है उसमें सबसे बड़ा रोल यूएस की इन्वेंट्रीज का है, जो कि हमने इस बार बढ़ती हुई देखी थी, और हमने देखा है कि उसकी वजह से भाव में एक गिरावट रही है। साथ में हमने यूएस से कमेंट भी सुने हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि जो ओपेक कंट्रीज़ है वो अपना प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से क्रूड में यहाँ पर थोड़ा एक कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। जो एक रैली हमने कंटिन्यूस बढ़ती हुई देखी थी वो हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कूल ऑफ रहेगी, और आने वाले एक हफ्ते में हमें लगता है कि क्रूड के भाव में कुछ गिरावट हो सकती है। लेवल वाइज देखें तो एमसीएक्स हमें लगता है कि करीबन नीचे 4150 से लेकर 4100 तक के लेवल दिख सकते हैं, और WTI की अगर बात करें हमें लगता है कि $58 से लेकर $55 तक के लेवल WTI में देखने को मिल सकते हैं, तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक जो रहेगा थोड़ा कूल ऑफ का रहेगा और थोड़ी बिकवाली यहां पर हावी हो सकती है। चलिए, तो बिकवाली जो देखने को मिल रही है वो बिकवाली आने वाले हफ्ते में भी बरकरार रहे ऐसी पूरी संभावना देखने को मिल रही है। कल की तेज गिरावट के बाद आज कच्चे तेल में सुस्ती का ही रुझान था, और लेवल्स आप देख सकते हैं, ब्रेंट क्रूड करीब $70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और साथ ही आप घरेलू बाजार में 4299 के स्तर, आधे प्रतिशत की तेजी का रुझान, लेकिन फिर भी एक रेंज में कारोबार देख रहे हैं। इलियास हमारे साथ जामनगर से जुड़ गए हैं। इलियास नमस्कार, सवाल पूछें। जी इलियास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी इलियास, अपने टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम डाउन करें और सवाल पूछें। कौन सा मैं बाय करना चाहता हूं, क्या बोल रहे? चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। ग्वार गम 8800 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अनुज खरीदारी का मन बना रहे हैं, ग्वार गम पर आपकी राय क्या होगी?
देखिए हमें लगता है कि अभी फिलहाल वेट करें, क्योंकि थोड़ा सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हमने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों में भाव ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं, तो एक सेलिंग यहाँ पर हावी होती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि ग्वार सीड ग्वारगम में फिलहाल बाइंग के लिए वेट करें। हमें लगता है कि अगर इनको बाइंग करना है तो नीचे करीबन 8,650 के लेवल मिलते हैं ग्वारगम में, तो बाय कर सकते हैं। फिलहाल करंट रेट मुझे लगता है कि अभी बाइंग के लिए वेट कर सकते हैं। 100 से 150 रुपये की गिरावट मिले तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, 8,800 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं इलियास, 8,650 के लेवल्स अगर देखते हैं वहां पर खरीदारी का मन बनाए, अभी जरा रुक जाएं, खरीदारी से दूर रहें, यही राय आपके लिए। नरेंद्र हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो जी, बताएं। ये ग्वार सीड का 1 महीने का टारगेट क्या है? चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। ग्वार पर तो एक बार अनुज ने अभी राय दी ही है इनफैक्ट, और स्ट्रैटेजी भी उन्होंने सुझाई है, लेकिन कोरिएंडर धनिया 7,150 के लेवल्स दिखा रहा है, दोनों पर आपकी राय क्या होगी? देखिए मुझे लगता है कि दोनों ही काउंटर ग्वार सीड ग्वारगम और कोरिएंडर तीनों के अंदर हमें लगता है थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा, और अगर हम कोरिएंडर के लेवल्स की बात करें तो हमें लगता है कि नीचे करीबन 7,000 से लेकर 6,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने हायर लेवल से बिकवाली हावे होते हुए देखी है और जो बाइंग एक्टिविटी है वो यहाँ पर कुछ कम रही है, तो हमें लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर कोरिएंडर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है नरेंद्र जी, बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है धनिये में और ग्वार दोनों ही काउंटर में, 7,150 में लाल निशान के साथ ही कामकाज है, इससे भी ज्यादा गिरावट गहराने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। मिहिर हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, नमस्कार मिहिर, सवाल पूछे। मैडम सोयाबीन में क्या करना चाहिए? सोयाबीन, ठीक है, आपने खरीद रखी है सोयाबीन? नहीं नहीं घर की है, अभी 200 क्विंटल घर की है। ठीक है चलिए आपको राय दिलवाते हैं, 3,615 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं वैसे यहाँ पर मिहिर, सोयाबीन अनुज आपकी राय इनके लिए क्या होगी? देखिए सोयाबीन के अंदर भी हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है, हमें लगता है कि नीचे करीबन 3,350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, मीन्स करंट रेट से 60-70 रुपये की गिरावट और देखने को मिल सकती है, तो अभी फिलहाल बाय नहीं करना चाहिए, अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो बिकवाली करके ट्रेड ले सकते हैं। तो खरीदना तो नहीं है, अगर ट्रेड ही बनाना है तो बिकवाली की राय यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। चने पर एक बार आपका आउटलुक जानना चाहूंगी अनुज, करंट लेवल्स पर चने के वायदे में जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 4,305 के स्तर पर, आधे प्रतिशत की बिकवाली है, क्या करें? देखिए चने के अंदर अगर देखें तो सरकार की ओपन मार्केट में जो सेलिंग है वो देखने को मिली है, सरकार के पास जो होल्डिंग था वो माल सरकार ने निकालना स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर पल्सेस में आते हुए देखा है, तो हमें लगता है कि उसका असर चने पे रहेगा और चने में भी गिरावट का माहौल हो सकता है, और एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही 4,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इस काउंटर में भी हमें लगता है कि खरीदारी की अभी सलाह नहीं रहेगी, खरीदारी अगर करनी है तो 4,200 के आसपास ही करें, फिलहाल हमें लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। ठीक है तो फिलहाल बने रुके रहे यहाँ पर, 4,305 के स्तर है, 4,200 के लेवल्स अगर देखे जाएं तो चने में खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं, अगर फिलहाल कोई पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कोई निवेशक तो रुकें यहां पर, खरीदारी से दूर रहें। सोया पैक पर एक बार आपकी राय जानना चाहूंगी अनुज, सोया पैक जिन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है ऐसे में एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी हैं और न्यू पोजीशंस जो बनाना चाहते हैं उनके लिए राय क्या होगी? 3,617 के स्तर पर फिलहाल कामकाज है। देखिए मुझे लगता है कि सोया के अंदर जैसे हमने डिस्कस भी किया है कि ट्रेंड डाउन रहेगा तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे रहेगी, हमें लगता है कि अगर जिनकी सेलिंग पोजीशन है वो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, अगर बाई है तो एक बार निकल जाए, हमें लगता है कि 60-70 रुपये की गिरावट सोयाबीन में देखने को मिल सकती है, मीन्स अगर हम पूरे ही ओवरऑल सोया पैक को देखें तो हमें लगता है कि जो ट्रेंड रहेगा थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। चलिए तो बिल्कुल फिलहाल वायदा बाजार के इस कार्यक्रम में इतने ही सवालों को शामिल कर पाऊंगी अनुज, तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।